हेलो एवरीवन, आज है 6 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। इसके अलावा एक और कंपनी है जो बहुत जल्दी बोनस देने वाली है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जब वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ओला इलेक्ट्रिक 73 रुपीज़ पर है और आज भी गिरावट है, जबकि आज बाज़ार बहुत अच्छे मूड में है। अगर आज सेंसेक्स की बात करें भैया, ऑलमोस्ट 700 अंक की तेज़ी दिखा रहा है और कल भी सेंसेक्स में तेजी थी। अगर आप देखोगे तो कल भी तेजी थी यहाँ पर सेंसेक्स में, कल बहुत बड़ी तेजी थी। पिछले 2 दिन काफ़ी अच्छे रहे, कल का दिन और आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा है। मतलब अभी भी देखा जाए तो मार्केट क्लोज नहीं हुआ है, देखते हैं कि एंड ऑफ द डे भी चीज़ें सही हो, लेकिन कल का दिन बहुत अच्छा रहा और आज का दिन भी अब तक तो सही जा रहा है। लेकिन ओला इलेक्ट्रिक की अगर हम बात करें तो ओला के लिए कल का दिन तो और ज़्यादा खराब था, 80 से सीधा 74 पर आ गया, जबकि कल बाज़ार में बहुत अच्छी तेज़ी थी। और आज का दिन भी बाज़ार में अच्छी रफ्तार वाला है, लेकिन अच्छा नहीं है और ये लगातार गिर रहा है, अपने लोवेस्ट प्राइस पे पहुंच चुका है। ये बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि चल क्या रहा है यहाँ पर, क्या खबरें इसको लेकर आ रही है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर 73 रुपीज़ का शेयर है, एक महीने में ऑलमोस्ट 19% का फॉल है और लिस्टिंग से लेकर अब तक अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 60% ही गिर चुका है, क्योंकि 160 रुपये पर चला गया था ऑलमोस्ट ये, और वहाँ से लगातार फॉल 55% का फॉल कह लो यहाँ पर वो देखने को मिला है। इंट्राडे में 157 रुपीज़ से ये गिरता हुआ नीचे और लगातार गिरा है। बीच में अगर थोड़े बहुत भी अटेम्प्ट करे थे वो गिरते नज़र आए। तेज़ी अगर आती भी है तो वो 1-2 दिन की तेज़ी होती है। तो भैया ग्राफ तो ये किसी भी एंगल से उतना अच्छा तो नहीं लग रहा है, ठीक है। हालांकि पिछला कुछ टाइम बाज़ार के लिए बहुत ख़राब रहा, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ दिन ऐसे भी रहे बाज़ार में जहां अच्छी तेज़ी हो रही थी, मतलब जैसे कि कल का दिन और आज का दिन, लेकिन वहां पर भी यहां पर तेज़ी नहीं है। तो ये कुछ बुरी चीज़ है ओला को लेकर। और एक अपडेट आ रही है ओला में, देखो कई सारे कस्टमर्स कंप्लेन करते रहते हैं यहाँ पर इनके सर्विसिंग को लेकर। तो फाइनली एक अपडेट यह है कि कंज्यूमर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है ओला इलेक्ट्रिक को कि एक स्कूटर ओनर है कोई, जिसको 1.63 लाख रुपीज़ का रिफंड दिया जाए। और ये बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे केस अभी ओला के ऊपर हो रहे थे, इवन काफ़ी सारे कंप्लेंट्स भी सर्विसिंग को लेकर ही जनरली आ रही है कि भाई साहब अगर स्कूटी ख़राब हो रही है तो फिर उसमें कई कई दिन लग रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेसिडेंट कमीशन इन रंगा रेड्डी तेलंगाना ने रिसेंटली ऑर्डर दिया है ओला इलेक्ट्रिक को कि भैया हैदराबाद के एक रेसिडेंट है, उसको जो इनका इश्यू था ओला S1 Pro स्कूटर में, उसके लिए रिफंड दिया जाए 1,63,986 रुपीज़ का। ओनर का नाम भी है के सुनील चौधरी वर्सेस ओला इलेक्ट्रिक का ये पूरा केस था यहाँ पर। और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने 2022 में स्कूटर परचेज करा था भैया, काफ़ी ज़्यादा प्राइस पे करके परचेज करा था, और इस स्कूटर में इंक्लूड था 5 ईयर्स एक्सटेंडेड वारंटी एंड 1 ईयर ओला केयर प्लान एंड हाइपर चार्जर फॉर द होम इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पर इन्हीं को लेकर सारे इश्यूज थे कि भैया कई दिन लग गए यहाँ पर। ओला इलेक्ट्रिक डिड नॉट अपियर बिफोर द फॉरम फाइल रिटर्न रिस्पॉन्स एंड डिस्पाइट द बीइंग सब नोटिस, कई बार नोटिस होने के बाद द कंपनी नाइदर कंटेस्टेड द कंप्लेंट नॉट सबमिटेड एनी रिटर्न विद इन 45 डेज डेडलाइन एंड दिस एब्सेंस वॉज नोटेड बाई द कमीशन एंड उसके चलते ये भैया इनको ये चीज़ें रिफंड के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो चीज़ें कहीं ना कहीं ओला के फेवर में तो नहीं है, कई सारी कंप्लेंट्स आ रही। लेकिन देखो, मैं उम्मीद तो करूँगा कि ओला जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है अपने डीलर वगैरह को बढ़ाने को लेकर, सर्विस सेंटर वगैरह को बढ़ाने को लेकर, और अगर उसमें ये लोग सही कर लेते हैं तो चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर हो सकती है। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के लिए चीज़ें उतनी भी अच्छी नहीं लग रही है यहाँ पर। अगर आज इसके वॉल्यूम की बात करें तो 3 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड होते नज़र आए, बड़ी क्वांटिटी में हर रोज़ ट्रेडिंग हो रही है यहाँ पर, मार्केट के 32,000 करोड़ पे आ चुका है, 32,000 करोड़। और कंपनी के बारे में अगर आप देखोगे तो हालांकि लास्ट महीने अक्टूबर में इन्होंने अच्छे खासे स्कूटर बेचे थे, तकरीबन 74% का रजिस्ट्रेशन हुआ था, 41,605 यूनिट्स इन्होंने बेचे थे। ये वाहन का पोर्टल है, इनके खुद का एस्टिमेट 50,000 के आसपास का है। और जहाँ तक बात करें अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र, तो 67% लोग कह रहे खरीदारी करो, 33% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। कंपनी के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले अगर मैं इनके वैल्यूएशन के बारे में देखूँ तो पी रेशो इसका नेगेटिव है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल अभी भी नहीं है। लेकिन फ्यूचर में देखेंगे कि होता भी है कि नहीं, लेकिन दिक्कत डेफिनेटली यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि प्रॉब्लम यह आ रही है कि अब बहुत सारे जो एग्जिस्टिंग प्लेयर थे जो अब तक ईवी में थे नहीं, वो कड़ी टक्कर अब देना स्टार्ट कर चुके हैं।
उसके चलते हुआ यह है कि ओला का मार्केट शेयर कहीं ना कहीं वो खाना अब शुरू कर रहे हैं। एक टाइम पे ओला का जो मार्केट शेयर था वो 50% का था, अब धीरे धीरे घट के वो 27-30% के आसपास रह गया है। तो जिस तेज़ी से एथर प्रोग्रेस कर रहा है, जिस तेज़ी से TVS प्रोग्रेस कर रहा है, जिस तेज़ी से बजाज प्रोग्रेस कर रहा है, वो कहीं ना कहीं ओला के लिए थोड़ा सा खतरा बनेगा यहाँ पर। और जहाँ तक देखें तो 80% एनालिस्ट खरीदारी के बाद यहाँ पर कर रहे हैं। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो ठीक ठाक फाइनेंशियल है, लेकिन अगेन लॉस मेकिंग कंपनी, लेकिन रेवेन्यू में लगातार तेज़ी है। लेकिन अगेन मैं कह दूँगी देखो, रेवेन्यू में तेज़ी जो है वो ओला के जितने भी कंपटीटर्स हैं उन सब की भी रेवेन्यू में तेज़ी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन देखिए, कंपनी ने जो IPO से पैसा जुटाया है, उन्होंने कहा था कि उसका वो इस्तेमाल करेंगे अपनी बड़ी सी गीगा फैक्ट्री लगाने में, और अगर गीगा फैक्ट्री लगाएंगे, मास प्रोडक्शन करेंगे, मार्जिन इनका अच्छा हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम जैसे कि मैंने कहा, यही है कि बिक्री बिक्री वाला प्रॉब्लम अभी भी इनके लिए रहेगा, तो प्रॉफिटेबल होना थोड़ा सा मुश्किल है इनका आने वाले टाइम में। और दूसरी बात यह कि गवर्नमेंट के ऊपर कुछ डिपेंडेंसी भी है इनकी, क्योंकि गवर्नमेंट से इनको सब्सिडी वगैरह भी मिलती है, और अगर जिस तरीके से कंप्लेंस वगैरह आ रही है, जिस अगर उसे संतुष्ट नहीं होता है गवर्नमेंट, तो हो सकता है कि शायद वो कुछ, तो मतलब देखेंगे क्या होगा, लेकिन ये प्रॉब्लम कुछ आ सकती है इनके लिए। और देखो, गवर्नमेंट सालों साल सब्सिडी नहीं देने वाली, ठीक है। पहले जितनी सब्सिडी गवर्नमेंट देती थी, आज उससे कई कम सब्सिडी दे रही है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि गवर्नमेंट उससे भी ज़्यादा कम दे दे, या फिर ख़त्म ही कर दे सब्सिडी। तो कहीं ना कहीं इनको प्रॉफिटेबल होने के लिए कोई अच्छा तरीका निकालना पड़ेगा। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 36.78% है, और भैया एक ही महीने में इंस्टीट्यूशन खूब बेचा, मतलब खूब बिकवाली करे हैं। 5.19% की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 4.62 पर आ गए। डोमेस्टिक वाले तो भैया एकदम से 1.66% से सीधे सीधे 1.54 पर आ गए। FIIs भी अगर आप देखो, बड़ी क्वांटिटी में बिकवाली करी है, 7.64 से 4.18 पर आ चुके हैं ये। तो बिकवाली डेफिनेटली बड़ी क्वांटिटी में देखने को मिली। खरीदारी कर रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर, 4.45 से भैया डबल कर दी उन्होंने, 8% पे चले गए रिटेल इन्वेस्टर। तो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी कर रहे हैं जबकि इंस्टीट्यूशन बेच रहा है, तो ये अच्छा साइन तो नहीं है मेरे हिसाब से। तो नज़र रखिए इस ओला के ऊपर, और मैं कहूँगा कि अगर मैं इसका ग्राफ देखूँ तो लगातार डिक्लाइन वाला ग्राफ ज़रूर नज़र आ रहा है। देखते हैं कि कहीं पर सपोर्ट मिल भी पाता है कि नहीं। एक और कंपनी है, हालांकि वो सरकारी कंपनी है, पिछले कुछ टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, NMDC। आज 1% की तेज़ी है, एक महीने का ग्राफ देखोगे तो 3.5% की तेज़ी है, 215 से बेहतरीन तेज़ी वापस से पकड़ी है इसने। एक साल में देखोगे तो 48% का ग्रोथ है, 160 रुपये से बड़ी रफ्तार पकड़ी थी, इवन 300 रुपये पर चला गया था ये इंट्राडे में। उसके बाद मेजर फॉल आया, फिर कोशिश करा, फिर गिरा, फिर कोशिश करा। अब इस कंपनी को लेकर अनाउंसमेंट आई है इनके बोनस को लेकर, और वो भी बोनस पता है 16 साल बाद बोनस दे रहे हैं ये। NMDC बोर्ड कंसिडर कर रहा है बोनस इश्यू फॉर द फर्स्ट टाइम इन 16 ईयर्स ऑन 11 नवंबर। तो ये बड़ी बात है 16 साल बाद भैया कंपनी, क्योंकि भैया अच्छे दिन कुछ PSUs के पिछले 2-3 सालों में ही आए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5 नवंबर को इन्होंने अनाउंस करा था द बोर्ड डायरेक्टर विल कंसिडर द बोनस इश्यू ऑन मंडे 11 नवंबर। अब देखते हैं कि बोर्ड विल कंसिडर जो अप्रूवल है उसको लेकर होगा, और जो रिजल्ट्स वगैरह भी है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे उस टाइम पर। तो बोनस को लेकर अपडेट है NMDC में, और अगेन मैं कहूँगा कि जो मैं हर बार कहता हूँ, जब भी किसी कंपनी में बोनस को लेकर खबर आती है, कि बोनस का मतलब फ्री का शेयर नहीं होता, बोनस का मतलब आपके शेयर डबल ज़रूर होंगे लेकिन शेयर प्राइस एडजस्ट भी हो जाएगा। 300 का शेयर अगर होगा तो वो 150 पर भी आ जाएगा एडजस्ट होकर, तो वो चीज़ भी ध्यान रखेगा। तो नज़र रखिए इन कंपनियों के ऊपर, और रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, तब बात करेंगे इसके बारे में। वीडियो को यहीं पेंट करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और NMDC के बारे में, ओला के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।